गुरुवार को अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद के खुल्दाबाद में स्थित मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र पर माला चढ़ाई, जिसके बाद राजनीतिक दलों ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। इस पर अब राजनीति गरमाने लगी है। संजय राउत ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने वालों को भी उसी कब्र में जाना है। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर राजनीतिक दलों के निशाने पर है। बीते गुरुवार को अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के खुल्दाबाद में स्थित मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र पर चादर और फूल चढ़ाया, जिसके बाद राजनीतिक दलों ने उन्हें निशाने पर ले लिया। अब संजय राउत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। रीति रिवाज नहीं है, वारंवार यायचं संभाजीनगरला आणि औरंगजेबाच्या कबरीपुढे आम्हाला सगळ्यांना खिजवण्यासाठी, महाराष्ट्राला खिजवण्यासाठी गुडघे टेकायचे। हे जे आहे ह्याच्यातून जर महाराष्ट्रामध्ये असंतता निर्माण करायची असं ह्या ओबीसी बंधूंचं काहीतरी एक राजकारण दिसतं आहे। पण मी इतकंच सांगेन, त्या औरंगजेबाची कबर महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये मराठ्यांनी बांधलेली, त्याची त्याला कबरीमध्ये आम्ही टाकलं। 25 वर्ष तो लढत राहिला, महाराष्ट्रावर चाल करणारा हा मोगल राजा। म्हणजे तुम्ही आज कबरीवरती येऊन नमाज वगैरे पडताय, कधीतरी तुम्हालाही त्याच कबरीत जावं लागेल। ये जो बात है, औरंगजेब कोई महान सूफी संत नहीं था, कोई कुछ भी कहे, वो एक आक्रमक था महाराष्ट्र के ऊपर। उसने आक्रमण किया, महाराष्ट्र की मंदिर, प्रार्थना घर सबको उध्वस्त किया। छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में 25 साल तक मराठा योद्धाओं ने उनके साथ बहुत बड़ी लड़ाई की है, ये इतिहास बताएगा आपको। लेकिन आप महाराष्ट्र में आकर उसी औरंगजेब के कब्र के ऊपर बैठेंगे और नमाज पढ़ोगे या और कुछ आपकी रस्में करेंगे, तो ये महाराष्ट्र को चैलेंज देने की बात है। ठीक है, हमने चैलेंज स्वीकार लिया है, समझ लो। औरंगजेब भी इस मिट्टी में हमने गाड़ दिया था, और जो औरंगजेब के भक्त हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, उनका भी यही हाल होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की मिट्टी मर्दों की, शुरू की, शिवाजी महाराज